सब्सक्राइब करें टेक विद तनु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं हमारी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद तनु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप कैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ले सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे भारत में। आप किसी भी एटीएम में, किसी भी शॉप पर, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। तो सीखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। तो दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए या डेबिट कार्ड को लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना पेटीएम अकाउंट ओपन कर लेना है और वहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं दिखाई दे रहा आपकी ऐप में, तो जल्दी से आप इसे अपडेट कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो पेटीएम अकाउंट है वो KYC कम्प्लीट होना चाहिए। KYC होना चाहिए तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नीचे की ओर आप देख सकते हैं पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, होम, मॉल, स्कैन, बैंक और इनबॉक्स। तो आपको यहां पर बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहां पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक इज़ हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन योर सेविंग अकाउंट इन टू सिंपल स्टेप्स। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना एक पास कोड सेट करना है। आपको यहाँ पर अपना कोई भी पासकोड सेट करना है, 1, 2, 3, 4, अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, आप 4 अंक का कोई भी पासकोड सेट कर दीजिए ताकि आप आगे फ्यूचर में इसे एक्सेस कर सकें अपने अकाउंट को। तो चलिए यहाँ पर हमने ये फॉलो कर लिया। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आपको एक डेबिट कार्ड शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, आपका अकाउंट बिल्कुल यहाँ पर बन जाता है ये करने के बाद, स्टेप फॉलो करने के बाद। अब आपको अपना डेबिट कार्ड अप्लाई करना है। डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे नीचे आ जाइए स्क्रॉल डाउन करके। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपका पेटीएम पेमेंट बैंक जो अकाउंट बना है, सेविंग अकाउंट, वो कहाँ पर शो होगा। आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट आ गया है, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है। जो आपका अकाउंट नंबर होगा दोस्तों वो आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है, जी हाँ। और IFC कोड आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, आपको IFC कोड भी मिल जाता है। तो ये रहा आपका पूरा पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट आपका बन चुका है। अब आपको डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं बैंक अकाउंट सर्विसेज में, देख सकते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन है डेबिट एंड एटीएम कार्ड, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका कार्ड यहां पर शो हो जाता है और रिक्वेस्ट कार्ड करने के लिए यहां पर ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए यहां पर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपने अपना एड्रेस नहीं मेंशन करा है तो आप यहां पर एड न्यू एड्रेस कर सकते हैं, अपना नाम, हाउस नंबर, एरिया, पिन कोड, सिटी, स्टेट या अल्टरनेट नंबर डालकर। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी यहां पर अपना एड्रेस दे रखा है, तो मैं यहां पर इसी एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा। एंड दोस्तों, इस कार्ड को लेने के लिए आपको ₹125 देने पड़ेंगे। यहां पर मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो पहले से इसमें है, ₹152 आपने देखा था, तो यहाँ पर 125 का डिडक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पर कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है 152, यहाँ पर 125 की जो कट होने वाले हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला कि आप पे कर सकते हैं, पेटीएम अकाउंट में आपके अवेलेबल है। अगर नहीं आप वहाँ से करना चाहते तो आप अपने कार्ड से या किसी नेट बैंकिंग से, भीम से, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो मैं अपने पेटीएम अकाउंट से ही पे करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहां पर मैंने कार्ड को अप्लाई कर दिया है। अभी मेरे को मेरे ही एड्रेस पे, जो मैंने एड्रेस दिया था, विद इन 1 वीक में वो मुझे कार्ड रिसीव हो जाएगा। तो जब वो कार्ड आ जाएगा मेरे पास, तो मैं आपको एक्टिवेट कैसे करना है उस कार्ड को और एटीएम मशीन में कैसे यूज करना है वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पेटीएम डेबिट कार्ड आज रिसीव हो चुका है पूरे 6 दिन के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम मेंशन्ड है और मैंने जो एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर है वो मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीज़न के कारण। तो चलिए इसको मैं जल्दी से ओपन कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने इसे पहले ही ओपन करके देख लिया था और कुछ इस तरह के इन्वेलप में आता है, तो इन्वेलप को मैं कर देता हूँ साइड में। एंड साथ में आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का एक पेपर,
जो कि मैं चलिए इसको भी कर देता हूँ हाइड बिकॉज उसमें मेरा एड्रेस मैंशनड है। तो मैं चलिए यहाँ पर जो मतलब कार्ड है वो मैं उसे सामने ले आता हूँ। कुछ इस तरह का कार्ड है, आप देख सकते हैं, और सामने कार्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इसे हम अलग कर लेते हैं इससे, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। कार्ड को इसके साथ बिल्कुल चिपक रखा है ये कार्ड, तो इसे हमने हटा लिया दोस्तों। और ये एक आपको साथ में एक पेपर मिलेगा जिसमें सारा कुछ लिखा रहेगा, एंड यहाँ पर आपका कार्ड जो सामने आप देख सकते हैं, ये पेटीएम डेबिट कार्ड है जिसे आप कभी भी किसी भी एटीएम मशीन में यूज़ कर सकते हैं, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं जैसे आप नॉर्मल किसी दूसरे बैंक का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात इसे एक्टिवेट करने की, तो दोस्तों इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बैक साइड में देख सकते हैं क्यूआर कोड दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, तो इस क्यूआर कोड को आपको अपने पेटीएम अकाउंट में जाके स्कैन करना है। तो मैं चलिए यहाँ पर अपना पेटीएम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना पेटीएम अकाउंट ओपन कर दिया। अब आपको फिर से बैंक के ऑप्शन में चले जाना है, और नीचे की ओर आते हुए आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक्टिवेट कार्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं योर एक्टिवेट कार्ड, जैसे आप इसके ऊपर आ जाते हैं तो आपको एक्टिवेट कार्ड करना है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड करेंगे तो आपका जो स्कैनर वो ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर सामने रखते हुए इसको स्कैन कर लेना है। लीजिए यहाँ पर स्कैन हो गया है कार्ड, तो कार्ड को मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको भी अपना पासकोड लगाना है जो आपने पासकोड सेट करा था। कोड क्या है वो मैं चलिए यहाँ पर मैं शो नहीं करना चाहता कि मैं क्या कोड लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कोड लगा रहा हूँ दोस्तों। कर दिया है, एंड यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो कार्ड है वो कन्फर्म हो चुका है। मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है सामने, आप देख सकते हैं, और कार्ड का पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो यहां पर हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां पर सेट एटीएम करना है, एटीएम पिन करना है, तो हम वो भी यहां पर सेट कर देते हैं। और फिर से कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है, फिर से वही पिन डालना होगा जो मैं अपने एटीएम पिन लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल हो चुका है आपका डेबिट कार्ड सक्सेसफुली। आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड यहाँ पर बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर डेबिट एंड एटीएम कार्ड एक्टिवेट सक्सेसफुली, तो ऊपर मेरे को मैसेज भी आ चुका है पेटीएम की तरफ से। तो यहाँ पर हमें बैक जाना है और बस आपका काम स्टार्ट। आप कभी भी जाके एटीएम मशीन में इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो।